बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इन टमाटरों से बनने वाली इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार और इतनी टेस्टी रेसिपी कि मुझे नहीं लगता कि आज से पहले इसे आपने कभी अपने घर में ट्राई किया हो। ये इतनी जबरदस्त और टेस्टी बनके तैयार होती है कि क्या ही कहने हैं। और मजे की बात ये कि ये सिर्फ बनती है 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर और इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे हम बना के तैयार करेंगे। बनाना इसको बेहद आसान है। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे तैयार की जाएगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी हाँ, इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं हमारे पास। टमाटरों को पहले हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया हुआ है और अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसे यहाँ पर हमने रफली काट लेना है, ठीक है? मोटे मोटे पीसेस में आप इसे कट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये ले जी, टमाटरों को हमने मोटे मोटे पीसेस में रफली काट लिया हुआ है और यहाँ पर हम सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही ये हमारे पास 7 से 8 अदद लहसुन के जवे हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 इंच हमारे पास अदरक का पीस है जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया हुआ है और 1 ये हमारे पास इस साइज की हरी मिर्च है, ठीक है? इसे भी हमने छोटा छोटा सा कट करके इसमें डाल लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच हमारे पास साबुत जीरा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसमें जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड करके इसका हम एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे, ठीक है? ये ले जी, यहाँ पर आप देखिए टमाटर को हमने पीस लिया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे हमने थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है, ठीक है? आपने इसका बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बना लेना है, ठीक है? और अब हम यहाँ पर एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट जो कि हमने तैयार करके रखा हुआ था और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारे पास 1 कप आटा है, सिंपली जिसकी हम रोटी बनाते हैं ये वो वाला आटा है। आटे को हमने छान लिया हुआ है, अभी हम इसमें 1 कप आटा ऐड करेंगे और इसे हम यहाँ पर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये ले जी, यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने आटे को जबरदस्त सा गूंद लिया हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट एक साइड पे रख देते हैं ताकि डो जो है वो सेट हो जाए। और आपने कोशिश यही करनी है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, क्योंकि टमाटरों में ऑलरेडी पानी है इसलिए ये जो डो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, आपने सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रखनी है। इसे 10 मिनट के लिए एक साइड पे रखते हैं, मिलते हैं फिर आपसे। ये ले जी, यहाँ पर आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने फ्रिज में रख दिया हुआ था और ये जबरदस्त सा सेट भी हो चुका हुआ है। और अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा नहीं आपने पेड़े इसके बनाने। ये देखिए, इस साइज के आपने इसके पेड़े बना लेने हैं और अब हम इसे बेल लेते हैं। काउंटर पे सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर देंगे और बाद में हम इसके ऊपर ये पेड़ा रखेंगे। इसकी सबसे पहले हाथ से हमने छोटी सी रोटी बना लेनी है, ठीक है? और अब हम यहाँ पर इसे बेल लेते हैं, बहुत बारीक नहीं आपने इसे बेलना, ठीक है? ये ले जी, इस साइज की आपने रोटी बना लेनी है और आप देख सकते हैं ना ये बहुत ज्यादा मोटी है और ना ये बहुत ज्यादा पतली है, ठीक है? और अब हम गैस की तरफ चलते हैं और अब हम दूसरी तरफ गैस पे रखेंगे 1 अदद तवा और इसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल को हम तवे के ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे रोटी जो कि हमने तैयार करके रखी हुई थी। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम करके इस रोटी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे, ठीक है? ये देखिए, एक साइड से इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है, दूसरी साइड से भी हम इसे खूबसूरत सा कलर दे देते हैं। ये ले जी, नीचे वाली साइड पे भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका हुआ है और साइड को चेंज करके इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप लोग ये जो पराठे हैं घी में बनाइएगा, ये बहुत जबरदस्त से और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। ये लें जी, माशाल्लाह से आप देखिए पराठे के ऊपर कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका हुआ है। और अब हम इसे निकाल लेते हैं, फिर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और बिल्कुल इसी तरह हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे।
और चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को डिश आउट करके दिखाते हैं कि आपने इसको सर्व किस तरीके से करना है और ये अंदर से कितना जबरदस्त और कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ है। फाइनल लुक को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है मजेदार जबरदस्त टेस्टी टोमेटो पराठा रेसिपी। ये बहुत टेस्टी बनके तैयार हुआ है और मजे की बात ये कि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हुआ है। आप लोग भी जरूर इस टमाटर के पराठा को अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत ज्यादा पसंद आता है। स्पेशली बच्चे तो इसे देख के एक्साइटेड हो जाते हैं कि ये किस तरह का पराठा तैयार हुआ, इतना जबरदस्त इतना सॉफ्ट। आप भी जरूर इसे ट्राई करिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोग इसे खाएं अचार के साथ या फिर किसी भी सालन के साथ, ये हर तरह से बहुत टेस्टी लगने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल। दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को करती हूं अल्लाह हाफिज़।